الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دو روز پہلے ہمارے محترم امام صاحب نے مجھ کو فون کر کے بتایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ایک صاحب کی طرف سے شننی کا دعوت کا انتظام ہے, جمعے میں آنا ہے اور کھانے میں بھی شریک ہونا ہے. اتفاق سے آج فجر کے بعد تفریح کرتے کرتے یہیں پہ آ گیا تو ہمارے محلے کے ایک ساتھی نے کہا کہ حضور آج دعوت اور کھانے ہی کے سلسلے میں اگر کچھ بات ہو جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. انشاءاللہ پروگرام کے مطابق جمعے کے بعد حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب دامت برکاتہ کچھ بات بیان کریں گے. بنیادی طور پر ایک دو بات میں کہہ دوں, اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے راضی کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کو, خاص طور پر انسانوں کو خوش کیا جائے, اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے ساتھ, اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. اسی حوالے سے میں نے ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعی احدکم فلیجب, جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے, کھانے وغیرہ کی دعوت دی جائے, تو دعوت کو قبول کر لیا جائے, دعوت کو ٹھکرایا نہ جائے. البتہ ہو سکتا ہے کہ جس کو دعوت دی گئی وہ روزے سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ, جس کو دعوت دیا گیا اگر وہ روزے سے ہے, روزے کی حالت میں ہے, تو روزہ توڑ کر دعوت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ روزے کی حالت میں ہے تو کم سے کم دعوت دینے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا, اور جس کو دعوت دی گئی اگر وہ روزے سے نہیں ہے, نارمل حالت میں ہے, عام حالت میں ہے, فَلْيَطْعَمْ, اور کھانے سے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے,
तो चाहिए कि वो दावत देने वाले की दावत को कबूल करके खाने में भी शरीक हो जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितने सारे वाक़यात ऐसे हैं कि किसी गरीब से गरीब सहाबी ने भी अगर आपको दावत दी और कोई उज्र नहीं था, मजबूरी नहीं थी, तो आप दावत में तशरीफ ले गए, उनके घर पे गए और जो कुछ मुयस्सर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कुछ पेश किया गया आपने तनावुल फरमाया, आपने खाया। चुनांचे रिवायत में एक वाकया आता है कि एक गरीब सहाबी थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे घर पे तशरीफ लाएंगे खाने के लिए और आप अपने साथ चार आदमी को लेकर आइएगा। ये भी कर दिया कि चार आदमी को लेकर आइएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त पर तशरीफ ले गए, एक आप और आपके साथ और चार। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुज़ुर्ग आ गया, कोई अल्लाह वाला आ गया, तो उनकी खिदमत में या उनके साथ एक दो लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं। अब खाने वाले खिलाने वाले ने घर में इंतज़ाम किया था पांच आदमी का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चार तो थे ही, एक साहब बग़ैर कहे हुए आपके साथ आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना कैसे करें, वापस कैसे करें? आ गए, जब दाई के दावत देने वाले के दरवाज़े पर पहुँचे तो अंदर जाने से पहले कहा कि देखो, तुमने तो मेरी दावत की थी और तुमने ये भी कहा था कि आपके साथ चार आदमी लेकर आए, मैं तो चार ही को लेकर आ रहा था, लेकिन एक साहब और है जो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आ गए, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इसको लेकर अंदर आऊँ और अगर इजाज़त ना हो तो इसको यहाँ से वापस कर दूँ, माजरत कर दूँ कि भाई हम लोगों की दावत है, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, तुम वापस चले जाओ। तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको पूरा यकीन था, विश्वास था कि पांच आदमी का खाना तो दस भी खा सकता है, यहाँ तो एक ही ज़्यादा हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस करने की ज़रूरत नहीं, आप उनको अपने साथ अंदर लेकर आए, वो भी खाने में शरीक रहेंगे। यहाँ हमको और आपको हदीस से ये सबक मिला कि जिनकी दावत हो खाने में वही जाए, हमारी और आपकी जिम्मेदारी। दावत देने वाले को ये सबक मिलता है कि अगर बिलफर्ज बगैर बुलाए कोई आ जाए, अगर आ गया दस्तरखान पे तो उसको वापस ना किया जाए, बल्कि अल्लाह का नाम लेकर उसको भी बिठा दिया जाए। अल्लाह रिस्क का मालिक है, बरकत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इंशाअल्लाह अल्लाह पूरा करेगा, अल्लाह पूरा करेगा। तो मैंने एक को दावत दिया है तो वो तो गाड़ी से गया, उसका ड्राइवर भी चला गया, क्या उसको इजाज़त लेना पड़ेगा? इजाज़त तो लेना चाहिए, बिल्कुल इजाज़त लेना चाहिए। अगर आपकी दावत दी और आप ड्राइवर लेके गए तो उसूल के मुताबिक आप या तो जिस वक्त दावत दी जा रही थी उसी वक्त आप कह देते कि भाई मैं अकेला नहीं जा सकूंगा, मैं तो ड्राइवर को लेके जाऊंगा, और अगर उस वक्त आपने इजाज़त नहीं ली तो जब आप खाने पर जा रहे हैं तो उस वक्त कम से कम इजाज़त ले लिया जाए कि भाई मेरी दावत है लेकिन मैं तो गाड़ी लेकर आया हूँ, ड्राइवर भी साथ में है, अगर आप कहो तो मैं ड्राइवर को लेकर आऊँ, नहीं तो नहीं। वो इजाज़त दे दे तो खुशी से लेकर जाइए, खुदा न खास्ता अगर वो मना कर दे तो दिल में बुरा नहीं मानना चाहिए, आपकी दावत है आप खाना खाइए, आपके ड्राइवर की दावत नहीं। हमारे बुज़ुर्गों में भी बहुत इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि जो ये नहीं देखते थे कि दावत कहाँ से आई, दावत में क्या खिलाया जाएगा, बल्कि वो हज़रात अल्लाह वाले थे, जब उनको दिल से कोई दावत देता था तो वो उनके यहाँ दावत में जाकर शरीक होते थे। चुनांचे दारुल देवबंद का एक वाक़या है कि देवबंद के अंदर एक गरीब आदमी घास काट कर बेचता था, घसियारा बोलते हैं उसको, घास काट कर वो बेचता था,
और वो महीने में जितना वो कमाता था उसका तीन हिस्सा करता था, एक हिस्सा अपने खाने पीने पर खर्च करता, एक हिस्सा गरीबों में सदका करता था और बाकी जो एक हिस्सा वन थर्ड होता था दारुल के मुअक्कर असातिज़े किराम बुजुर्गाने बुजुर्ग असातिज़े किराम को उस पैसे से दावत करके अपने घर में बुलाते थे। चुनांचे एक मर्तबा का एक शख्स का वाकया हुई घसियारा का कि वो इस तरह से महीने में एक मर्तबा दावत करते थे, पैसा कम होता था। दावत में खाना क्या तैयार करते थे? सादा चावल, बिल्कुल सादा चावल और दाल और कुछ नहीं। और जाकर दारुल देवबंद में बड़े बड़े असातिज़ा को दावत देते थे, वो हजरात खाने के लिए तशरीफ ले जाते थे। हजरत मौलाना याकूब नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के प्रिंसिपल थे, वहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन थे। उनके बारे में किताबों में लिखा है कि वो कहा करते थे कि पूरा महीना मुझे उस घसियारे की, उस गरीब की दावत का इंतज़ार रहता है, चाहे वो दाल और चावल ही खिलाता हो लेकिन खिलाता है बड़े खुलूस से, बड़े इखलास के साथ खिलाता है। उस खाने के बाद मैं अपने कल्ब में, दिल में रोशनी और नूर को महसूस करता हूँ। तो दावत चाहे जैसी भी हो, हमको और आपको अगर कोई उज्र ना हो, दावत कबूल करनी चाहिए और उसमें शिरकत करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी खाने पीने के आदाब को तफसील के साथ बयान किया, कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, खाने से पहले क्या दुआ, खाने के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए। चुनांचे आपके एक खादिम थे अम्र इब्न सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था मैं, कभी इधर से कभी उधर से कभी बीच से मैं हाथ बड़ा बड़ा कर खा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन नसीहत की, या गुलाम सम्मिल्ला, ए बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे खाने में शैतान आकर शरीक हो जाएगा। मुख्तलिफ रिवायतों में आया है कि कोई साहब आए खाने लगे, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, बिल्कुल अखीर में जाकर याद आया, दो चार एक दो लुकमा रह गया था तब जाकर याद आया, उस वक्त उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगल में बैठे हुए थे, हंसने लगे, या रसूलल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बतलाया कि इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के ये खा रहा था, खाने में शैतान भी शरीक हो गया था। बाद में जाकर याद आया, लास्ट में याद आया, बिस्मिल्लाह ही अव्वलहू व आखिरहू पढ़ा, जैसे पढ़ा शैतान वहाँ से भागा और जो कुछ खाया था उसको भी वहाँ डालकर भाग गया। यानी बरकत जो खाने में होना चाहिए था, शैतान अगर अखीर तक रहता तो शायद बरकत न होती। अच्छा किया कि इसने बिस्मिल्लाह ही अव्वलहू व आखिरहू पढ़ लिया, जिसकी वजह से शैतान भाग गया, खाने की बरकत अपनी जगह बाकी रह गई। दूसरी नसीहत यह थी कि कुल भी यमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, दाहिना हाथ से खाओ। खाने के लिए अल्लाह ने दाया हाथ दिया, अच्छा काम करने के लिए अल्लाह ने दाहिना हाथ बनाया, और दूसरा कोई काम करना है, इस्तिंजा वगैरह करना है, तो वो बाएं हाथ से करो। तो दूसरी नसीहत की कुल भी यमीनिक। तीसरी नसीहत यह की के कुल मिम्मा यलीक, या कुल मा यलीक, जो तुम्हारे बिल्कुल पास में है वहाँ से खाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़े से प्लेट में तीन चार आदमी मिलकर खाते हैं, आमतौर पर हमारे जमात के साथी दावत के साथी ऐसे ही खाते हैं, तो खाने के आदाब में से यह है कि बिल्कुल एक साइड से खाना खाया जाए, बीच से खाना ना खाया जाए, इसलिए कि बरकत का नुज़ूल ऊपर से होता है। आपने बीच वाला खाना खा लिया, पता नहीं बरकत आई या नहीं आई थी अल्लाह की तरफ से, और खाने से बरकत गायब हो गई। तो कुल मिम्मा यदि तुम अपने सामने से खाओ, बीच से खाना ना खाओ। खाने के सिलसिले में, दावत के सिलसिले में दो बात और याद रख लीजिए।
एक बात तो ये याद रखिए कि खाने वाले को ये चाहिए कि वो दूसरे का ख्याल रखे, खुद बहुत ज्यादा खाने की कोशिश ना करे, कम खाए, दूसरे का ख्याल रखे। चुनांचे रिवायत के अंदर आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिन याकुलु फी मिअन वालिद, ईमान वाला जो बंदा होता है पेट के अंदर अगर सात आंत और सात हिस्सा बना हुआ है तो समझो कि मुसलमान एक आंत में खाता है, वल काफिर याकुलु फी सबअति अमआ, और जो गैर ईमान वाले बंदे होते हैं, काफिरों मुशरिक होते हैं, वो बिल्कुल पेट भर के, खूब पेट भर के खाते हैं, उनको अपना ख्याल दूसरे का ख्याल नहीं। हमारे अकाबरीन का भी यही तरीका था, कम खाते थे। कितना कम खाते थे? हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मशहूर है किताबों में, उनका मुनाजरा था, डिबेट था ये पंडित दयानंद सरस्वती के साथ, आर्य समाज का बड़ा पंडित था। जिस घर में खाने की दावत थी, हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा खाया और वो जो पंडित साहब थे वो बहुत देर तक खाते रहे, खूब खाया, जम के खाया। जब वो खाने से फारिग हुआ तो हजरत मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत आप तो पहले मरहले में हार गए, आपने खाना कम खाया, हमने ज्यादा खाया, हम जीत गए और आप हार गए। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई हमारा जो तुमसे मुकाबला है, हमारा जो तुमसे मुकाबला है वो खाने में नहीं, बल्कि हमारा मुकाबला तो तुम्हारे साथ इल्मी मुकाबला है, दलील में, कुरान हदीस रामायण इन सब की रोशनी में हमारा तुम्हारे साथ मुकाबला है। खाने में अगर मुकाबला करना है तो तुम भैंस से जाकर मुकाबला कर लो, भैंस तुमसे ज्यादा खाती है, इसका मतलब भैंस जीत गई और तुम हार गए। खाना ज्यादा खाना ये इंसान का कमाल नहीं है, खाए जरूरत के मुताबिक खाए, अल्लाह ने हलाल रोजी दिया है, बढ़िया से खाए, इसमें कोई शक को शुबा नहीं, लेकिन इतना खाए कि खाकर उठ न सके। एक गैर मुस्लिम के बारे में आता है, बिहार यूपी में मशहूर खाना होता है दही चीरा, दही और चूरा, खूब खाया, खूब खाया। खाने के बाद उसके एक चेला ने उसके किसी बंधु या उसका जो साथ में खादिम था उसने जाकर चूरन दिया खाने के लिए कि ये खा लीजिए आपका खाना हजम हो जाएगा, तो कहा कि चूरन वो हजमोला के टाइप का जिससे खाना हजम होता है ना, तो हजरत ये खा लीजिए गुरुजी, ये खा लीजिए खाना हजम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि अरे बेवकूफ, अगर चूरन और हजमोला खाने की जगह होती तो थोड़ा सा दही चीरा और क्यों नहीं खा लेता, यानी इतनी भी जगह नहीं है। तो खाने वाले के जिम्मे है कि वो खाने में दूसरे का ख्याल रखे, खुद कम खाने की कोशिश करे। अलबत्ता खिलाने वाले के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर 10 को दावत दिया है तो कम से कम 15 की तैयारी करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया मशहूर है ना, मशहूर वाकया। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह आपने मुझको पूरी दुनिया का बादशाह बनाया, मैं चाहता हूँ कि एक महीने तक पूरी दुनिया के तमाम मखलूकात की दावत करूँ। अल्लाह ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम ही मरता ना, तुमसे नहीं हो सकेगा। कहा एक हफ्ते की? कहा एक हफ्ता भी नहीं। एक दिन की? का देखो एक दिन भी नहीं खिला सकोगे, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलो एक दिन तुम खिला दो। खूब खाना बनवाया, कई दिनों तक खाना तैयार हुआ, और अल्लाह चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो हवा पर भी थी, अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, खाना को खराब नहीं होने दिया जा रहा था। बाद में जब जितना खाना बनाना था बना लिया तो अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह खाना रेडी हो गया, मैं किसको बुलाऊं, पहले कहाँ से शुरू करूँ? अल्लाह ने कहा कि देखो समंदर की जो मखलूकात है पहले उसको खिलाओ, और बाद में जो खुश्की के माटी के ऊपर जमीन के ऊपर जो रहते हैं बाद में उसको खिलाना। अल्लाह ने एक मछली से कहा कि जा, और आज सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी दावत की है, जाकर खाओ, आज वहाँ जाकर खाना ना। वो मछली आई और एक तरफ से खाना शुरू किया, हफ्तों महीनों तक जो खाना तैयार किया गया था दुनिया के तमाम
तमाम लोगों के लिए मखलूकात के लिए खाना तैयार किया गया था, वो मछली सारा खाना खा ली और खाने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोली कि और खाना कहाँ है। कह रहे तुमने तो सब लोगों का खाना खा लिया और खाना मांग रही हो, मैं दूसरों को क्या खिलाऊंगा, ये तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है, तुम और मांग रही हो। कहा सुलेमान तुमने बहुत बुरा किया, मुझे अल्लाह खिलाता था रोजाना पेट भर के खिलाता था, और आज तुमने आधा पेट खिलाया, पेट का एक हिस्सा तो खाली रह गया। तो खिलाने वाले के जिम्मे ये है कि अगर दावत 10 की किया है तो वो 15 का इंतजाम करे ताकि लोग पेट भर के खाए। बाकी बात इंशाअल्लाह हजरत मौलाना इरफान साहब बरकातहू नमाज के बाद थोड़ी देर जब तक तैयार न हो जाए बयान करेंगे। अल्लाह ताला इस दावत में बरकत अता फरमाए और बार बार अल्लाह ताला बरकत वाली दावत हम सबको करने की, और भी बहुत सारे हजरात है अल्लाह सबको करने की तौफीक इनायत फरमाए।